अपना परिचय दीजिए पहले। नमस्कार, मेरा नाम जीवन रावा, मैं पद्मनी ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत चेयरपर्सन हूँ, जिला नामसाई अरुणाचल प्रदेश से, और मैं यहाँ इन 3 दिवसीय पंचायत विद गुड गवर्नेंस का वर्कशॉप अटेंड करने आया हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, और मेरे जो वीडियो हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं, और जो भी मेरे पंचायत के साथ जुड़े हैं, और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके ही कार्यकाल में ये संभव हो पाया है कि मेरी पंचायत आज इतने बड़े स्तर पर आज मुझे यहाँ अटेंड करने का मौका मिला। यहाँ से आपने क्या सीखा? पहली बात तो देखिए, यहाँ जो जिन्होंने पूरे देश में उत्कृष्ट जो काम किया है उनको यहाँ बुलाया गया है, तो उनके साथ उनका जो उन्होंने जो किया है वो शेयर करने का, उसको समझने का, उसको पास से देखने का और इंटरेक्शन करने का भी हमें मौका मिला है। तो वैसे तो हम अपने पंचायत में जो भी हो सकता है पंचायत की उन्नति के लिए वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमसे नहीं हो पाया या फिर नई आइडियाज़ है, जो अच्छे जो प्रधान है, जो सरपंच है, जो कर रहे हैं, उसका भी हम नॉलेज लेके यहाँ से जा रहे हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी है वो हम अपने पंचायत में फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो आपका यहाँ पर फिल्म भी कल दिखाया गया था और सेशन में भी थे आप, तो आपकी ग्राम पंचायत में गुड गवर्नेंस को लेके कुछ आपने किया हो जो खास बताइए। पहली बात तो हम लोगों से जुड़ते हैं, हमेशा हमने कोशिश की है कैसे लोगों से जुड़ा जाए। इसके लिए हमने हर चीज़ के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, और जैसे यूथ्स का अलग है, महिलाओं का अलग है, जो धार्मिक स्थल है उनका अलग है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अलग है, आंगनवाड़ी सेंटर्स का अलग है, फिर उसका कम्बिनेशन करके एक कम्युनिटी ग्रुप है। विद इन 1 सेकेंड हम किसी भी मैसेज को पूरे गांव में फैला सकते हैं। तो उसके बाद जैसे हो गया, किसी का जन्म हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई बीमार है, कोई कुछ, किसी ने कुछ अच्छा किया, तो हम लोग उसके लिए कलेक्शन करते हैं। जैसे किसी का जैसे जल क्या बोलते हैं, तो शमशान में कुछ करना होता है अभी, उसके लिए हम लोग हर घर से कलेक्शन करते हैं। किसी कोई एग्ज़ाम पास किया तो उसके लिए भी हम लोग कलेक्शन करते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि इससे जुड़ाव होता है, जो सद्भाव होता है, टीम वर्क, और ऊपर से एकता बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, तो हम कुछ भी करते हैं, लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और हमने हमेशा यही किया है कि किसी भी लेवल पे ले जाके हम ग्राम पंचायत को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। होगा।